मैं तो पहले ही कह रहा था कि राठौड़ साहब चूरू से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्होंने चूरू में अपना जो विश्वास था वो खो लिया, लोगों के काम नहीं किए, और लोगों ने मन बना रखा था कि राठौड़ साहब आएंगे तो अब की बार वो सफल नहीं हो पाएंगे। वहां से लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार ने जो अच्छा काम किया उसके ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं, तो उनको लग गया कि एक चांस ले लेते हैं दायां बायां शिफ्ट होकर के। लेकिन वहां जहां गए हैं वहां भी वहां के लोगों ने पहले देखा है कि एक बार वो आए थे, उम्मीद जगी थी, काम किया नहीं और फिर दोबारा वापस शिफ्ट हो गए। अब उनको कैसे विश्वास होगा कि राजेंद्र जी राठौड़ दोबारा चुनाव जीत करके 5 साल काम करेंगे और फिर यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये सब मैं जो कह रहा था वही हुआ है, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दिग्गज चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कांग्रेस के सरकार ने काम अच्छा किया है और वो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए हैं, इसलिए कहीं शिफ्ट होंगे, कहीं कटेंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन अंततः कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया और राहुल गांधी जी ने जो 4,000 किलोमीटर यात्रा की है उसके बाद में देश में, पूरे देश में कांग्रेस में ही वातावरण बना। हाँ, भारी बहुमत से दिख नहीं रहा, इधर उधर जा रहे हैं, नेता खुद ही भग जाए तो फिर आप बताओ जनता को क्या वो मोटिवेट करेंगे दूसरी जगह दूसरे कैंडिडेट को वोट दिलाने के लिए।